हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन देखेंगे पॉली सैकेराइड्स की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। तो फर्स्ट है पॉली सैकेराइड सेलुलोज। तो सेलुलोज ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है। तो इसमें ग्लूकोज की यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो ये कौन सा बॉन्ड होता है ग्लूकोज की, इसके अल्फा कार्बन से सेकेंड ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से बॉन्ड बना के ये बीटा वन फोर्थ लिंकेज बनाता है। तो सेलुलोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है। तो ये पॉलीसेकेराइड्स है। सेकंड पॉलीसेकेराइड्स कौन सा है, काइटिन। तो काइटिन में कौन सा बॉन्ड बनता है, बी वन बीटा वन फोर्थ लिंकेज, इसमें भी यही लिंकेज पाया जाता है। और ये कौन सी यूनिट से मिलकर बना होता है, ये एन एस एल ग्लूकासेमिन से मिलकर बना होता है। तो एक यूनिट इस एक स्ट्रक्चर है एन एस एल ग्लूकोसैमिन। तो इनकी स्ट्रक्चर से यूनिट से मिलके ये पॉलीसेकेराइड बनता है। अब देखते हैं डाइसेकेराइड्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज किस से मिलके बनाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। इसमें बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो ये डाइसेकेराइड्स जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की यूनिट से मिलके बना होता है। सेकेंड सेकेराइड है माल्टोज। तो माल्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज की यूनिट से बनता है। इसमें भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही बनता है। थर्ड है लैक्टोज। लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड होता है, बॉन्ड तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है एंड बीटा वन फोर्थ लिंकेज प्रेजेंट होता है। एंड ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज की यूनिट से मिलके लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार ये सुक्रोज माल्टोज एंड लैक्टोज डाइसेकेराइड्स हैं, सेलुलोज काइटिन पॉलीसेकेराइड्स हैं।